तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ ऐसे अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में जो आने वाले कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाले हैं। इनके जो लॉन्च डेट है वो यहां पर कंफर्म हो चुकी है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ही कर लेना। अगर बात करूं यहां पर कुछ अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में तो इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के साथ साथ काफी सारी और भी कंट्रीज में बहुत सारे स्मार्टफोन्स अब लॉन्च होने वाले हैं। इनकी जो लॉन्च डेट है वो फिलहाल यहां पर कंफर्म हो गई। सबसे पहले नंबर पर जो स्मार्टफोन है वो यहां पर निकल गया है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो रेनो 11 सीरीज के जो स्मार्टफोन से वो लॉन्च होने के लिए 100% ऑफिशियली कंफर्म हो गए हैं। ये जो स्मार्टफोन है 23 नवंबर को ऑफिशियली लॉन्च होने वाले हैं ओप्पो की तरफ से। और पहले ये जो स्मार्टफोन से वो यहां पर चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट में अवेलेबल होंगे। ओप्पो रेनो 11 सीरीज जा रही है, इसमें ओप्पो रेनो 11, 11 प्रो इस टाइप के काफी सारे वेरिएंट्स यहां पर लॉन्च होने वाले हैं। और इस बार यह डिजाइनिंग काफी यूनिक सी दी है ओप्पो रेनो 11 सीरीज के स्मार्टफोन्स की। आपका क्या ओपिनियन है ओप्पो के बारे में हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। अगला जो स्मार्टफोन है वो आता है ऑनर की तरफ से। ऑनर अपने दो स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने वाला है और ये जो स्मार्टफोन से वो यहां पर 23 नवंबर को लॉन्च होने वाले हैं ऑफिशियली। ये चीजें 100% कंफर्म हो गई है ऑनर की तरफ से। ये जो स्मार्टफोन से ऑनर 100 सीरीज के स्मार्टफोन होने वाले हैं जिनमें ऑनर 100 और ऑनर 100 प्रो इस टाइप के जो वेरियंट है वो देखने को मिल जाएंगे। अब यहां पर इनकी भी जो ऑफिशियल डिजाइनिंग है वो निकल आ चुकी है, जहां पर ऑनर ने थोड़ी अलग सी डिजाइनिंग यहां पर इन स्मार्टफोन में देने की कोशिश की है। और जो कैमरा पैटर्न है वो वाकई काफी ज्यादा डिफरेंट है। और ये जो स्मार्टफोन है वो 23 नवंबर को लॉन्च होने वाले हैं। आपका क्या ओपिनियन है ऑनर के बारे में? ऑनर इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में भी धीरे धीरे करके एक्टिव हो रहा है और ये स्मार्टफोन जल्दी ही इंडिया में भी हमें देखने को मिलेंगे। आपका क्या ओपिनियन है, आपको स्मार्टफोन कैसा लगा हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। अगले स्मार्टफोन के बारे में बात करूं, अगला स्मार्टफोन इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च होने के लिए कंफर्म हो गया है। इस स्मार्टफोन का नाम होने वाला है पोको X6 5G। पोको X6 5G जो स्मार्टफोन है बहुत जल्दी इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है काफी सारी सर्टिफिकेशन साइट पर ऑनलाइन सर्टिफाई हो रहा है, जिसमें से ये जो स्मार्टफोन है इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन साइट पर ऑलरेडी सर्टिफाई हो चुका है। साथ ही साथ ये जो स्मार्टफोन है IMDA पे भी लिस्ट हो गया और यहां पर सिंगापुर और इंडिया की BIS पे भी लिस्ट हो गया है। तो पोको X सीरीज के स्मार्टफोन्स भी लॉन्च होने वाले हैं, जिनमें पोको X6 5G और पोको X6 Pro 5G दो स्मार्टफोन समय जल्दी ही देखने को मिल जाएंगे। अगले स्मार्टफोन के बारे में बात करूं, अगला जो स्मार्टफोन है वो फिलहाल यहां पर लॉन्च होने वाला है फिलहाल iQOO की तरफ से। और iQOO 12 सीरीज के जो स्मार्टफोन से वो यहां पर लॉन्च होने वाले हैं 12 दिसंबर को इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में। और फाइनली अब यहां पर इन स्मार्टफोन की जो Amazon लिस्टिंग है Amazon अवेलेबिलिटी है वो 100% ऑफिशियली कंफर्म हो गई है। iQOO ने ये कंफर्म कर दिया कि ये स्मार्टफोन Amazon पे ही लॉन्च होने वाले हैं और Amazon पे इनका जो लॉन्च पेज है वो जा चुका है। तो ये स्मार्टफोन्स Amazon पे लिस्ट हो गए हैं और 12 दिसंबर को ये जो स्मार्टफोन से लॉन्च हो जाएंगे। आपका क्या ओपिनियन है iQOO के इस नए अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। अगले स्मार्टफोन के बारे में बात करूं, अगला जो स्मार्टफोन है वो निकल रहता है Redmi Note 13 सीरीज से। आज फिर से यहां पर एक लीकर ने कंफर्म कर दिया कि Redmi Note 13 सीरीज के जो स्मार्टफोन है वो बहुत ही जल्दी इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं। अब यार जल्दी जल्दी सभी लोग बता रहे हैं, अभी तक लॉन्च डेट कोई नहीं बता रहा कि लॉन्च डेट क्या है, लेकिन जल्दी ही लॉन्च डेट हमें कंफर्म पता चल जाएगी और मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल ये कुछ स्मार्टफोन्स हैं जो कि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में और चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट दोनों जगहों पे लॉन्च होने वाले हैं। आप इसमें से कौन से स्मार्टफोन का ज्यादा वेट कर रहे हैं हमें जरूर से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना।